इज़ द करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रीगेशंस। अच्छा, कॉन्ग्रीगेशंस मीन होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो रिलीजियसली कोई मतलब काम कर रहा हो, जैसे चर्च में ग्रुप ऑफ पीपल थे जो प्रीचर्स अपने ट्यून को सुन रहे थे, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ना बी हो सकता है। और सी स्पेक्टर्स, अ बेबी का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट जस्ट स्टैंड एट एनी इवेंट, और वो बस देख रहा हो, ऑब्जर्वर हो, उसको हम स्पेक्टर्स या बेबी कहते हैं, ठीक है। और ए इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड, द बोर्ड ऑफ डैश मेट टू डिस्कस द बिजनेस प्लान। फोर्थ का भी साथ ही बता दें। गुड, थ्री का सही है। बेबी मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कोई इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। गुड, फोर्थ का भी सबने ठीक बताया है। सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे ये बताएं कि डी की मीनिंग क्या है, बस मुझे ये बता दें। फोर बिल्कुल ठीक है, सी मास्टर। आज मैंने रिकॉर्डिंग ना अभी स्टार्ट की है, सॉरी मैं भूल गई थी, बट मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो आपको इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अनमोल प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। थैंक्स। अच्छा, तो डी की किसी ने भी नहीं बताई, इसका मतलब होता है क्या नाम है, होस्टेस, मतलब जो शिप में या फिर कोई भी प्लेन में कोई वेटर्स काम करती है उसको हम ये कहते हैं स्टूवर्डेस, ठीक। देन वी हैव, अच्छा फोर्थ का सी है मास्टर। वर्ब, वेरियस ग्रीवनेस डैश बीन एयर्ड बाय द वर्कर्स। गुड, बी, बिकॉज एक तो हमारे पास बीन है, तो बीन में क्या नाम है, कोई भी हैज़ या हैव लगेगा, इज़ और आर तो एलिमिनेट हो गया। अब हैज़ और हैव में कौन सा लगेगा, हैज़ यूज़ होता है फॉर सिंगुलर नाउन, और हैव यूज़ होता है प्लूरल के लिए, तो यहाँ ग्रीवनेस है मतलब प्लूरल है, तो हम हैव लगाएंगे। सेकेंड, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर साइंस टीचर्स डैश गोन टू साइंस एग्जीबिशन। गुड, ए ए इज द करेक्ट आंसर, हैव, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, और यहाँ गोन है मतलब लाइक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम इज और आर तो लगाएंगे नहीं, हैव इज द करेक्ट आंसर। सी, द टीम ऑफ एथलीट्स डैश टू ट्रेन इंडिविजुअली। मैम, फोर्थ का क्या आंसर था? कौन सा, फोर्थ कौन सा था, प्रोनाउन, नाउन का फोर्थ, उसका सी था। ओके, हम थर्ड पे थे ना, सो थर्ड को जो करेक्ट आंसर है, ओके हाँ, बी आर, द टीम ऑफ एथलीट्स, क्योंकि एक ग्रुप है तो इसलिए प्लूरल है, तो आप आर लगाओगे टू ट्रेन इंडिविजुअली। फोर्थ, ओनली द वेल्दी डैश सर्च प्लेसेस।
ओके सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, पार्टनराइज, क्योंकि टीचर ट्री में इज नहीं लगेगा बिकॉज द टीम ऑफ एथलीट्स, एस भी तो है ना, एक ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है ना, इसलिए हम प्लूरल लगाएंगे। सो या फोर का ए है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट की बात है, तो इसमें हैज़ या इज़ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ये एक प्लूरल की बात हो रही है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे इस पर। देन वी हैव प्रीपोजिशंस के, समवन फॉरगेट टू स्विच डैश द फैन, अच्छा एक मिनट, पैट्रोनाइज का मतलब होता है अफोर्डेबल, लाइक सिर्फ वेल्दी ही इस प्लेस को अफोर्ड कर सकते हैं। और प्रीपोजिशन के फर्स्ट का ऑप्शन है बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑफ। सेकंड, अच्छा बी इज़ द करेक्ट आंसर, वाई मैं बताती हूँ, 1-1 चलते हैं। ए है सिंस, सिंस नहीं, सिंस लगता है कि जब आप स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाह रहे हो, लाइक आई जॉइन दिस स्कूल सिंस 2010, ठीक है, तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट बताते हो तो आप सिंस लगाते हो। और फॉर ऑब्वियसली इसमें यूज़ नहीं होगा, अब है एट और बाय, एट और बाय दोनों आप टाइम के साथ लगाते हो। अब बाय और एट में ये फ़र्क होता है, अगर आप यहाँ देखो, प्लीज़ बी होम -3 o'clock, नॉट लेटर देन दैट, ठीक है, ये इम्फेसाइज कर रहा है। बाय जो बाय हम जब लगाते हैं टाइमिंग में, जब उधर की एक डेडलाइन दी हुई और एक इम्फेसाइज दिया हुआ हो कि ये करना ही करना है, 3 o'clock पे आना ही आना है, तो इसलिए हम बाय लगाते हैं। एट हमने इसलिए नहीं लगाया कि एट जो है वो इम्फेसाइज के लिए नहीं है, एट इसलिए हमने इधर नहीं लगाया कि एट का मतलब होता है कि आप 3 o'clock के बाद भी आ सकते हो, डो वरीज, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इम्फेसाइज दिया हुआ है इसलिए हम बाय लगाएंगे। तो बाय और एट का ये देख लें, कहीं नोट भी कर लें कि दोनों टाइमिंग्स के लिए होते हैं, बट बाय इज़ फॉर इम्फेसाइजिंग के लिए, ठीक है, गॉट इट। थर्ड, इकरा मैंने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, लाइक 10 मिनट्स हुए हैं, तो एक्सरसाइज की मतलब रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं भूल गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, और ऊपर जो थे वो सिर्फ डेफिनेशंस थी, तो उसके लिए ऑब्वियसली इतना मुश्किल नहीं होगा, मैं PDF सेंड कर दूंगी तो हो जाएगा। अच्छा थर्ड का ऑप्शन है ओके ए, मैम, सिर्फ MCQs की रिकॉर्डिंग्स वाले सेंड कर दें, चल क्योंकि मैंने बीच बीच में MCQs नहीं देखे थे। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जब PDF सेंड करूँगी तो आंसर्स बता दूँगी, डोंट वरी। अच्छा 3 का आंसर है 4, वाई, अमीना हैज़ बीन एबसेंट फॉर लास्ट 2 days, अमीना एबसेंट है 2 दिन से, तो ऑब्वियसली 4 इज़ दी करेक्ट आंसर। सिंस और फॉर का ये होता है कि आप सिंस जो है वो सेंचुरीज या स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ऑब्वियसली लगाते हो, और फॉर जो है वो ड्यूरिंग के लिए बता देते हो कि मतलब 2 दिन के लिए ये एबसेंट थी, तो हम फॉर उसके लिए लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद 4th 1, एंड्रयू वेंट टू सिनेमा डैश हिज न्यू फ्रेंड, इट्स इजी।
गुड गुड सही है गुड. कंजंक्शंस आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड डैश प्लीज मूव असाइड सो आई कैन गेट टू द डोर. स्टूडेंट जल्दी करें टाइम 15 मिनट है हमारे पास सिर्फ. ओके इसका करेक्ट आंसर है आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड बट प्लीज. अच्छा सी सी इज़ द करेक्ट करेक्ट आंसर. मैं रूड नहीं होना चाहिए बट लेकिन प्लीज़ आप हट जाएं मुझे जाना है ठीक है तो बट इज़ द करेक्ट आंसर. गॉट इट. ओके 2 सेकेंड. कीप क्लिकिंग नेक्स्ट डैश द प्रोग्राम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड. गुड 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 बी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा 1 का ये था कि इधर लिखा हुआ है आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड बट लेकिन प्लीज मूव असाइड सो आई कैन गेट टू द डोर. तो बट इज द करेक्ट आंसर क्योंकि इट मेक सेंस. लाइक अगर आप वो भी करें मीनिंग भी इसकी निकालें तो आप मतलब इसका मतलब है कि आप रूड ना हो लेकिन प्लीज़ लेकिन प्लीज़ हट जाए यहाँ से. और या 2 का सही है अनटिल इज द करेक्ट आंसर. 3 एंड 4th 7 बता दीजिए. जो कभी माँ है वोकेबलरी अभी बस ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करूँगी और आप फिर आपके पास 10 मिनट होंगे वो फॉर्म फिल करने के लिए. 3 का ए इज़ करेक्ट आंसर. 3 का ए है कैन वी मेक अ अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट वीक सो डैट आई कैन कीप ट्रैक फॉर आर योर प्रोग्रेस. 4th का बता दें. ओके करेक्ट आंसर इज डी और एल्स. हाउ इन अच्छा यू शुड टेक अ बाथ नाउ और एल्स यू वॉन्ट गेट टू डू सो व्हेन द वाटर सप्लाई गेट्स इंटरप्ट. और एल्स का मतलब होता है वरना कि जल्दी से मतलब शॉवर ले लो वरना जो है आप नहीं ले पाओगे क्योंकि फिर सप्लाई का मसला हो जाएगा ठीक है. अनटिल इज़ नॉट ही करेक्ट आंसर ऑल दो एंड डिस्पाइट भी नहीं है और एल्स इज द करेक्ट आंसर. ओके दैट्स इट. अब क्या नाम है मैं मीटिंग यहीं पे एंड कर देती हूँ और अब मैं लिंक शेयर करूँगी आप लोगों के साथ उस पर क्लिक करना है नेम अपना लास्ट नेम और जो फिर उधर वोकैबलरी के क्वेश्चंस हैं वो देखने उसके बाद लास्ट में आपके पास स्कोर आएगा वो इंडिविजुअल स्कोर होगा हर किसी के पास अपना अपना आएगा और क्या नाम है वो आप देख सकेंगे आप कहाँ पर और कितना आपने वोकैबलरी पढ़ी है. वन मोर थिंग चीटिंग नहीं करना प्लीज़ क्योंकि ये सेल्फ टेस्ट है इसकी आपसे आपकी भलाई है मेरा तो कुछ नहीं जाएगा कि मुझे पता चल जाएगा कि इसके इतने मार्क्स आए हैं ठीक है. फोर्थ वाला बता दे. इकरा आप क्या नाम है टेक्स्ट कर दें तो प्लीज़ चीटिंग नहीं कीजिएगा और 10 मिनट बाद एग्जैक्ट 10 मिनट बाद मैं वो फॉर्म बंद कर दूँगी क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए ठीक है. उसके बाद वो फॉर्म नहीं खुलेगा तो अभी बस मैं ये मीटिंग ऐड कर रही हूँ मैं भेजती हूँ 10 मिनट है और जिस जब जब कर लो तो जो लिंक होगी इस पर रिएक्ट कर देना या डन लिख देना जो भी ठीक है कर देना ठीक है. एनी क्वेश्चन.
ग्रेट, बस मैं मीटिंग एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। हम कल को, मंडे को क्लास है, कल हमारी क्लास होगी, ठीक है? और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्विज़। मैं बस अभी लिंक सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पे, बी रेडी, अल्लाह हाफिज़।